हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास चेक स्कैनर आ जाया है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि नॉट पावरिंग ऑन है। तो इसको आज ट्रबल शूटिंग करते हैं, तो कृपया वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे इसे ठीक करेंगे जो नॉट पावरिंग ऑन की इशू है। तो इसमें मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पर चेक स्कैनर है, यहाँ से इंसर्ट होता है और यहाँ से स्कैन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल देखिए, CR120UV इमेज फार्मूला कर है और पीछे कुछ यहाँ पे कुछ मॉडल देखेंगे तो कैनन यहाँ पे M112120 है, ठीक है। 24 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो इमेज फार्मूला CR120UV है अल्ट्रा, तो इसको हम आज ठीक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लगा के दिखा दूँ। तो ये अब इसका अडाप्टर है, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया पावर में और यहाँ पे ये कनेक्शन लगता है, ठीक है, लगाया। और ये इसका ट्रिगर सर्किट है, ऑन करता हूँ, ठीक है। देखिए तो ऑन नहीं हो रहा है, ओके। तो इस केस में आपको क्या देखना है, इसकी जो अडाप्टर है इसको हम चेक करेंगे वोल्टेज। पढ़ो ना भैया विकास। सो एडाप्टर चेक करने के लिए डीसी रेंज पर रखेंगे और इस पे चेक करेंगे वोल्टेज। तो इस पे हमारा 24 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हमारा एडाप्टर ख़राब है। पहले इसको ठीक करेंगे, फिर इसको भी ठीक करेंगे। ठीक कर लिया है, अब एडाप्टर ख़राब था यहाँ से, और उसके बाद से अब यहाँ पे दो तार कटी हुई थी तो इसको हमने काट के जोड़ दिया अच्छे से। अब इसमें हमने चेक स्कैनर का भी यहाँ पे ले लिया और इसको चलते हैं, एक बार लगा के देखते हैं कि ये हमारा चलता है और इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, सिस्टम में, और चेक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले कनेक्ट करते हैं और ऑन करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये देखिए ऑन हो चुका, लाइट ब्लिंक करने लगा। और USB कनेक्ट करते हैं सिस्टम में, चेक करते हैं डिटेक्शन। तो USB कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इस साइड में, देखिए USB कनेक्ट किया तो यहाँ पे इंस्टॉल होने लगा और इंस्टॉल होके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कैनन CR120, ठीक है, ये देखिए। और इस चलते हैं, स्टार्ट स्कैन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पेज काट करके बनाया यहाँ पे, तो स्कैन करेंगे और देखिए यहाँ पे, ये देखिए स्कैन होके बाहर आ गया, ठीक है, एक पहला पेज, ठीक है। दूसरा भी हमारा स्कैन कर लिया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो और कोई हमारे पास यहाँ पे चेक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमने यहाँ पे मैनुअल लगा रखा, तो यहाँ पे काम करने लगा, ठीक है। तो आप इसके वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, इसको फोर्स क्लोज कर देंगे, नहीं तो ये ट्राई करता रहेगा बार बार इसको। तो एक बार यहाँ से बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा सारे जो चेक है वो स्कैन कर चुका है, ठीक है। ये देखिए दोबारा ऑन करते हैं, तो ये उसके सॉफ्टवेयर होते हैं उससे करिए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ओके, अदरवाइज ये नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं एडाप्टर वगैरह लगा के, पन्नी का हो या किसी कैनन का हो। तो सबसे पहले वोल्टेज चेक करिए और स्कैन नहीं कर रहा है या कभी आवाज़ भी कर रहा है तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है, तो इसको अच्छे से टू साइड टेप लगा के इसको चिपका लीजिए, ये सही हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे स्कैन करने लगे, इस तरह से खुद ठीक कर सकते हैं, ऐसे पेपर लगा सकते हैं। और इनके जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है उससे कैप्चर, जो सॉफ्ट कैप्चर करने के लिए होता है उस सॉफ्टवेयर से, अब इंस्टॉल करके चेक कर लीजिए जो हमारा नॉट पावरिंग ऑन का सोल्यूशन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एडाप्टर को फॉलो करिए सबसे पहले, फिर इसमें कुछ आप एक एक्टिविटी करना। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, हम उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।